بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेज क्या होता है, नाउन प्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्या है और इसको हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक सेंटेंस में हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्रेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स डेट मे हैव नाउन्स और वर्बल्स बट इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड एक्शन वर्ब। फ्रेज ये अल्फाज का मजमुआ होता है, अल्फाज वर्ड्स, कुछ अल्फाज होते हैं जिसमें नाउन्स और वर्बल्स हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब फ्रेज में नहीं होगा। लीविंग बिहाइंड द डॉग, यहाँ पर लीविंग, लीविंग क्या है, ये जेरन है, ये वर्ब नहीं है। बिहाइंड प्रीपोजिशन है, जी मॉडिफायर है, आर्टिकल है, डॉग नाउन है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है और न वर्ब है, तो ये क्या है, ये फ्रेज है। अब आते हैं नाउन फ्रेज की तरफ। इट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन फ्रेज ये वर्ड्स का वो कलेक्शन होता है जिसमें नाउन्स और वर्बल्स तो हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होगा। स्प्रिंग टाइम ये नाउन फ्रेज है, आवर टीम, यू आर कमिंग, इसमें ज़्यादातर प्रोनाउन और नाउन ही होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जिस तरह एडजेक्टिव का काम होता है इस तरह एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम होता है। शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली कैचिंग ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये आइज नाउन को मॉडिफाई करता है। द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन, कवर्ड इन मड ये डॉग नाउन को मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कवर्ड, एक्सट्रीमली कैचिंग, एक्सट्रीमली कैचिंग, ये दोनों एडजेक्टिव है, तो इसने क्या बनाया है, एडजेक्टिव फ्रेज बनाया है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन पर मुश्तमिल होगा। इट्स ऑब्जेक्ट मफ़ऊल पर, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एंड एनी अदर वर्ड्स दैट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, और दूसरा लफ्ज जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट मॉडिफाइज अ वर्ब और अ नाउन, ज़्यादातर वक़्त ये वर्ब या नाउन को मॉडिफाई करता है। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, तो टू फिश आवर, यहाँ पर टू है, एंड द रेड ड्रेस, इन द रेड ड्रेस द हंटर इस्माइल गुलजी, अ फ्यू डेज, ये खुद क्या है, अ फ्यू डेज, इन के बगैर ये नाउन फ्रेज है, अ फ्यू डेज, अ फ्यू डेज ये नाउन फ्रेज है, द रेड ड्रेस ये नाउन फ्रेज है, द हंटर ये भी नाउन फ्रेज है, लेकिन जब हम इसके साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं एन अ फ्यू डेज, टू पिशावर, एन द रेड ड्रेस, बाय द हंटर, बाय इस्माइल गुलजी, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ये असल में प्रीपोजिशनल फ्रेज ही होता है। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो एक वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है। बेसबॉल हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन, इन आवर टाउन ये वर्ब बिकम को मॉडिफाई करता है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। द फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग हमें क्या जवाब देता है, व्हेन, व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। हमजा डिड नॉट गो टू स्कूल on account of the bad weather, on account of the bad weather, go verb को modify करता है, तो यहाँ पर ये adverb phrase है। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।